इस वक्त मुश्किल हालात है और आजमाइश की घड़ियों में निफाक भी खुल के सामने आता है। आप देख रहे हैं निफाक और दीन से जो बुग्ज रखने वाला एक तबका, एक ग्रोह किस अंदाज से प्रोपेगेंडा कर रहा मसाजिद के बारे में, नमाजियों के बारे में, और अब दीन की दावत लेकर सारी दुनिया में चलने वाले, सारी दुनिया में चलने वाले अहले दावत के खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा चल रहा है। और ये लोग अपनी रुसवाई में और ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे मैं दीन का दर्द रखने वाले मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि जो हमारे मुसलमान और दीन के ये दाई और ये दीन के सफीर हमारे मुल्क में आए हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये मुहाजिरीन हैं। अल्लाह ने हमें अंसार बनने का मौका दिया है, हमें अल्लाह ने अंसार बनने का मौका दिया है। जहां मौका मिले अपने घरों के अंदर गुंजाइश निकाले। हां, इज्तिमाई शक्लों से एहतियात रखी जाए, इज्तिमाई सूरतें बनाने से इज्तनाब किया जाए, लेकिन इनकी खिदमत, इनकी जियाफत, इनका इकराम, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो इस मजमा, ये मजमा जहां मिले इनफिरादी शक्लों के साथ इज्तिमाई शक्लों से एहतियात करते हुए इनका इकराम किया जाए, इनका इकराम किया जाए, इन्हें इज्जत दी जाए, इनकी खिदमत की जाए। ये मुहाजरीन की तरह है, ये दीन के सफीर हैं, ये अल्लाह का दीन की खिदमत के लिए, अल्लाह का दीन सीखने के लिए हमारे मुल्कों में आए हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। ये हमारे नसीब की बात है कि अल्लाह हमें अंसार बनने की और इनकी खिदमत की अल्लाह ये सआदत नसीब फरमा दे। तो जिस जिस इलाकों में, जिन जिन जगहों पर इस किस्म के हमारे ये साथी कहीं मिले, तो उनकी खूब दिल खोल कर उनके इकराम किया जाए, उनकी खिदमत की जाए, और जो हो सके उनको जिसे कहें कि आराम पहुंचाया जाए। बाकी ये बातिल और दीन से बेजार तबका, इसकी किस्मत में तो हमेशा रुसवाई रहती है। हम इनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं, लेकिन अगर इनकी किस्मत में हिदायत नहीं तो अपने मौला से दुआ करते हैं, अल्लाह जैसे हमें इस वबाई वायरस से निजात नसीब फरमा, ऐसे दीन दुश्मनों से भी उम्मत मुस्लिमा को और वतन अजीज को और अहले इस्लाम को इन दीन दुश्मनों से भी निजात नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी, आपको भी जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।